मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हजारों इज्तवात। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर आज़म का अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। कहा, कौम मुहाफिजों की बदौलत अमन सुकून से ईद मना रही है। मुझ समेत पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती है। शहबाज शरीफ ने चारों गवर्नर्स को भी ईद की मुबारकबाद दी। इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी। असम्बलियाँ तोड़ने के बाद इंतखाबात का मुतालबा नुकसान का बायस बन रहा है। आइन के मुताबिक इलेक्शन एक ही वक्त पर होने चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, ख्वाजा आसिफ बोले, ज़ाती ख्वाहिशात की वजह से मुल्की इस्तेहकाम को ज़र्ब लगाई जा रही है। मुल्क में आईनी बहरान है। सुप्रीम कोर्ट ने मौका फराहम किया। उम्मीद है बिलावल कश्मीरी आवाम के तर्जुमानी और पाकिस्तानी मौके उजागर करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद बोले, मुजाकरात में कामयाबी नहीं देख रहा, गाड़ी छूट गई तो फैसला सड़कों पर होगा। मुल्क में सियासी, आईनी और मौशी बहरान है। इलेक्शन से कबल इलेक्शन मुतनाज़े बन गया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए सियासी जमातों को मिल बैठना होगा। चारों सूबों में एक ही वक्त इलेक्शन होना चाहिए। कराची चिड़ियाघर की हथनी को बचाने की कोशिशें नाकाम। नूरजहां चल बसी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुररहमान कहते हैं, हथनी बुखार में मुब्तला थी, बचाने की तमाम कोशिशें की गई। कराची में शाहरा फैसल पर तेज रफ्तारी के बाद दो गाड़ियां टकरा गईं। एक खातून जान बहा, चार अफराद जख्मी।